अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी डिस्कशन होगी ऑन द चैप्टर दैट वी आर स्टडिंग, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, विच इज़ चैप्टर नंबर 21 ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी, डिवेलपमेंट एंड एजिंग। ठीक है, सो दिस इज़ दी सिक्स्थ लेक्चर। इससे पहले हम इसके पांच लेक्चर्स में काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं, अभी आज इसका छठा लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट बर्थ एंड नर्सिंग। अच्छा, बर्थ एंड नर्सिंग वाले टॉपिक में मैंने आपको पिछले लेक्चर में, बिकॉज वी हैड सम टाइम, तो मैंने आपको नर्सिंग की डिस्कशन और उसकी डिटेल्ड जो स्टडी है वो हमने कर ली कि व्हाट इज़ कोलोस्ट्रम, व्हाट इज़ ब्रेस्ट फीडिंग और किन किन हॉर्मोन्स के अंडर होती है, प्रोलैक्टिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन क्या करता है, फिर ब्रेस्ट फीडिंग के क्या फ़ायदे हैं और बॉटल फीडिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं नर्सिंग वाले पोर्शन को। आज हम डिस्कस करेंगे बर्थ वाले पोर्शन को। ठीक है, तो आपकी बुक के ऑर्डर से जाएंगे, जिस तरह से बुक में चीज़ें मेंशन हैं उसी ऑर्डर से, ताकि जब आप लेक्चर देखें और उसके बाद किताब पढ़ें तो समझना आसान हो जाए। बर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड पार्चुरेशन और लेबर। तो बर्थ यानी कि बच्चे के पैदा होने की अमल को हम पार्चुरेशन या लेबर भी कहते हैं, पार्चुरेशन और लेबर। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पार्चुरेशन और लेबर। अब नॉर्मली टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी द यूट्रस बिकम्स प्रोग्रेसिवली मोर एक्साइटेबल। अब क्या होता है कि प्रेगनेंसी जैसे जैसे अपने इख्तिताम की तरफ जा रही होती है, छठा महीना, सातवां महीना, आठवां, नौवां, तो क्या होता है यूट्रस जो है, जो इसमें बेबी फीटस प्रेजेंट होता है, वो एक्साइटेबल हो जाता है। एक्साइटेबल मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा न्यूरॉन्स की सप्लाई और किसी तरफ से ज़्यादा नर्व इम्पल्सिस का आना और जाना, दिस इज़ कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी। तो यूट्रस की एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी टूवर्ड्स इट्स एंड प्रोग्रेस कर रही होती है। इट डेवलप्स सच रिदमिकल स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस दैट द बेबी इज एक्सपेल्ड। मैनी टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स एड इन पार्चुरेशन सच इज एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड मैनी फीटल एंड मेटरनल हॉर्मोन्स। अब क्या होता है कि यूट्रस इतना एक्साइट हो जाता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि रिदमिक मतलब जब हमने लव सर्कैडियन रिदम्स पढ़ा था तब मैंने आपको तब भी बताया था कि रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस के रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस एक फिक्स्ड पैटर्न पे होने वाली कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, एक मखसूस तरीके से कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। कॉन्ट्रैक्शंस मतलब किसी चीज़ को पुश करती हैं, पंप करती हैं यूट्रस को, और ये कॉन्ट्रैक्शंस क्या करती हैं, पार्चुरेशन यानी कि बर्थ या डिलीवरी या लेबर में हेल्प करती हैं। और ये किन किन हॉर्मोन्स, कौन कौन से हॉर्मोन्स इसमें एक्ट कर सकते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन and many fetal and maternal hormones, fetal hormones or maternal hormones, fetal hormones यानी कि fetus के hormones जो baby के अंदर से hormones निकल रहे होंगे, और maternal hormones जो mother के hormones होंगे। ठीक है, तो माँ के और बच्चे के दोनों के hormones का असर होता है और दोनों मिल के इस तरह से coordinate करके act करते हैं कि uterus की contractions हों और delivery या parturation या birth हो जाए। अच्छा, रोल ऑफ फीटल एंड मैटरनल हॉर्मोन्स इन कंट्रोलिंग बर्थ। अब हम देखते हैं कि इन हॉर्मोन्स का क्या क्या रोल है बर्थ को कंट्रोल करने में। द बर्थ ऑफ बेबी इज कंट्रोल्ड बाय मैनी फीटल एंड मैटरनल हॉर्मोन्स। टू थिंग्स मस्ट हैपन फॉर नॉर्मल बर्थ। द मसल्स इन द वूम एंड एब्डोमिनल वॉल हैव टू कॉन्ट्रैक्ट एंड द सर्विक्स नीड्स टू सॉफ्टन और इंक्रीज इन डायमीटर। ठीक है, कहते हैं बर्थ के लिए, बच्चे की पैदाइश के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि जो एब्डोमिनल वॉल के मसल्स हैं, जो वूम के मसल्स हैं, वूम इज़ यूट्रस, वो मसल्स जो हैं ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करें। ठीक है, और यूट्रस के मसल्स, एब्डोमिनल वॉल के मसल्स, इनकी कॉन्ट्रैक्शन को हमने ज़्यादा कराना है। ठीक है, और ये ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करें, और दूसरा क्या हो कि सर्विक्स डायलेट हो जाए। सर्विक्स क्या है, बर्थ कैनाल डायलेट हो जाए। जब कैनाल डायलेट होगा, ये पहले इतना था, अब ये इतना होता कि इसमें से बेबी जो है वो इजीली बाहर को जा सके। तो सर्विक्स की डायलेशन कराना, उसको सॉफ्ट कराना, यानी कि हार्ड ना हो, सख्त ना हो, नरम हो, ताकि फैल सके और एक्सपैंड हो सके बेबी की जब डिलीवरी हो रही हो। तो ये दो चीज़ें हमें डिलीवरी के लिए या लेबर के लिए, पार्चुरेशन के लिए ज़रूरी होती है।
The estrogen and progesterone are secreted during pregnancy, but from 7th month onward, estrogen secretion becomes greater than the progesterone secretions. मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि इनिशियली क्या होता है जब कॉर्पस ल्यूटियम होता है तो वो प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा सिक्रीट कर रहा होता है और थोड़ा एस्ट्रोजन सिक्रीट करता है. फिर उसके बाद ये काम प्लेसेंटा टेक ओवर कर लेता है कॉर्पस ल्यूटियम से और अब प्लेसेंटा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है. लेकिन प्रेगनेंसी में ज़्यादा जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा होता है वो प्रोजेस्टेरॉन है इनिशियली और एस्ट्रोजन थोड़ा कम. लेकिन अब जो फेज़ आखिरी फेजेस की तरफ प्रेगनेंसी जा रही है इसमें क्या होता है, इसमें एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन को ओवरटेक कर लेता है, यानी अब प्रोजेस्टेरॉन से ज़्यादा एस्ट्रोजन मौजूद होता है. तो अब ये क्या करते हैं, इस क्यों ज़्यादा होता है, इसके ज़्यादा होने से क्या होता है. इट स्टिमुलेट्स द मायोमेट्रियल सेल्स ऑफ द यूट्रस टू फॉर्म अबंडेंट ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स. ठीक है, अब क्या होता है कि जो यूट्रस है, ये आपका जो यूट्रस है पीयर शेप्ड ऑर्गन, ठीक है, ये पीयर शेप्ड ऑर्गन इस तरह कर लें क्योंकि ये नीचे सर्विक्स आपने बनानी है. ठीक है, तो ये सर्विक्स है जिसको डायलेट होने. अब इस यूट्रस के अंदर बेबी इम्प्लांटेड है, जो यूट्रस की वॉल्स हैं इसके अंदर एस्ट्रोजन के ज़्यादा होने से, प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा कम एस्ट्रोजन के ज़्यादा होने से यूट्रस की वॉल्स के अंदर कुछ ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स बन जाते हैं. ये अंडे या सुराख नहीं है, ये सेल्स के अंदर रिसेप्टर्स बन जाते हैं ऑक्सीटोसिन के लिए, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स बन जाते हैं. ठीक है, अब ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स क्यों बन जाते हैं, मायोमेट्रियल वॉल मतलब कि तीन लेयर्स थी ना यूट्रस की, पेरीमेट्रियम जो कि आउटर मोस्ट, देन मायोमेट्रियम, देन एंडोमेट्रियम. तो मायोमेट्रियम वो है जो मसल्स वाली लेयर है, उसके अंदर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ज़्यादा से बन जाते हैं एस्ट्रोजन के ज़्यादा होने की वजह से. ड्यू टू दीज रिसेप्टर्स मायोमेट्रियम बिकम्स मोर इरिटेबल एंड वीक, दस इररेगुलर यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस आर इनिशिएटेड. इन रिसेप्टर्स के बनने की वजह से जो मायोमेट्रियम है, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स कहाँ बन रहे हैं, मायोमेट्रियम में, तो मायोमेट्रियम अब क्या हो जाती है, वीकेंड मायोमेट्रियम हो जाती है, वीक हो जाती है. और दूसरा क्या होता है मायोमेट्रियम के साथ, एक तो वो वीक होगी और दूसरा इरिटेबल, इरिटेबल मतलब कि वो ज़्यादा एक्साइटेबल हो जाएगी. इरिटेबल मतलब किसी रिसेप्टर को, किसी सेल को अगर न्यूरॉन्स आके एक्साइट कर दें और बहुत ज़्यादा एक्साइट करने की जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है उसे हम कहते हैं कि ये सेल या ये टिश्यू इरिटेबल है. तो ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स जब ज़्यादा हो जाएंगे, सिग्नल को लेने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, तो सिग्नल ज़्यादा आएगा और ज़्यादा रिसीव होगा, उसकी परसेप्शन ज़्यादा होगी, तो हम कहेंगे कि टिश्यू इरिटेबल हो गया, यानी यूट्रस वीक हो जाएगा और इरिटेबल हो जाएगा. और इसकी वजह से कुछ कॉन्ट्रैक्शंस इनिशिएट होंगी जिन्हें हम कहेंगे यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस, कुछ यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट होंगी. लेकिन ये बेबी को पैदा करने वाली कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस, फॉल्स लेबर पेन्स या फिर ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शंस, ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शंस. इनको हम क्या कहते हैं, ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शंस या फिर फॉल्स लेबर पेन्स. ठीक है, ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शंस या फॉल्स लेबर पेन्स स्टार्ट हो जाती हैं फीमेल को. किसकी वजह से, रिसेप्टर्स ज़्यादा हुए, रिसेप्टर्स ज़्यादा होने से यूट्रस वीक हो गया, यूट्रस ज़्यादा एक्साइटेबल हो गया, ज़्यादा इरिटेबल हो गया. अब कुछ कॉन्ट्रैक्शंस मुख्तलिफ इररेगुलर इंटरवल से होंगी जिन्हें हम कहेंगे फॉल्स लेबर पेन्स, फॉल्स अलार्म्स या फिर ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शंस. द फॉल्स लेबर पेन्स कन्वर्ट इनटू रियल लेबर पेन्स विद द हेल्प ऑफ टू अदर केमिकल सिग्नल्स विच आर. अभी फ़िलहाल हल्की हल्की पेन्स हो रही हैं, औरत शिकायत करेगी कि मुझे जो है ना कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, मगर वो जिसे हम कहते हैं कच्ची दर्दें, तो वो कच्ची दर्दें होती हैं. उसके बाद क्या होता है कि दो केमिकल सिग्नल्स, दो ऐसे केमिकल सिग्नल्स क्या क्या है, उनके अंडर ये पेन्स कन्वर्ट हो जाती हैं ट्रू लेबर पेन में. एक है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन और दूसरा क्या है, फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं, यानी कि बच्चे के पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स निकलेंगे उनके अंडर, ये कॉन्ट्रैक्शंस अब बन जाएंगी ट्रू लेबर पेन्स या फिर ट्रू कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, ट्रू लेबर पेन्स या ट्रू कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है, तो अब क्या हम इसको रिवाइज करेंगे, अब हम देखेंगे कि किस तरह से ट्रू लेबर पेन्स बनती हैं, फॉल्स लेबर पेन्स कन्वर्ट हो जाती हैं ट्रू लेबर पेन्स में अंडर द एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड फीटल, कौन से हार्मोन्स, फीटल पिट्यूटरी के ग्लैंड के हार्मोन्स, फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स. अच्छा,
अब हम देखते हैं ऑक्सीटोसिन. इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड व्हिच माइट प्ले अ रोल इन एक्साइटिंग द यूट्रस. अब ऑक्सीटोसिन मदर के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से भी सिक्रीट हो रहा है और बेबी के भी, तो उससे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, ठीक. और दूसरा क्या होगा, फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो सिक्रीट्स एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हॉर्मोन्स ACTH. जो फीटस का पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से क्या सिक्रीट होगा, ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हॉर्मोन, जो कि आके एक्ट करेगा, स्टिमुलेट करेगा एड्रीनल ग्लैंड को और वहाँ से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स निकलवाएगा, ठीक है. अच्छा, अब क्या है, फीटस है उसके पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, उसके पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या सिक्रीट हो रहा है, ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन जाके क्या कराएगा, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा, ठीक है. ये फीटस के पोस्टीरियर पिट्यूटरी की कहानी होगी. अब फीटस का जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वहाँ से कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ACTH, वो जाएगा एड्रीनल ग्लैंड्स पे एक्ट करेगा और एड्रीनल ग्लैंड से क्या रिलीज होगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है. फिर वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दो रीजन को पे एक्ट करेंगे. इट इफेक्ट्स टू रीजन्स, फर्स्टली द प्लेसेंटा एंड कॉजेज अ डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. सेकेंडली इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द फीटल मेम्ब्रेन टू प्रोड्यूस एन इंक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स. अब क्या करेगा, इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की दो जगह पे एक्शन होगा. अब उस एक्शन से हम देखते हैं कि उसका रिएक्शन यानी उसका वापस हमें क्या रिस्पॉन्स आएगा. तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जाएंगे और जाके जो है ये एक्ट करेंगे किन दो जगहों पे, प्लेसेंटा पे जो कि उसका अपना माँ के साथ कनेक्शन है, और प्लेसेंटा पे एक्ट करेंगे. और हम प्लेसेंटा क्या बनाता था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तो वहाँ पे जाके प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स को कम कर देंगे. अब प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स का कम होना निशानी होती है कि अब लेबर पेन्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करो और बेबी को एक्सपेल आउट करो सर्विक्स के थ्रू, बेबी की डिलीवरी करवाओ, ठीक है. तो प्लेसेंटा पे जाके जब प्रोजेस्टेरॉन, इसने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ने एक्ट किया, वहाँ से प्रोजेस्टेरॉन कम रिलीज होगा. दूसरा क्या होगा, सेकेंडली इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द फीटल मेम्ब्रेन्स यानी कि जो एलेंटॉइस है और एमनियन है, कोरियन है, उसको स्टिमुलेट करेगा और वहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन्स की ज़्यादा सिक्रीशन कराएगा, ठीक है. द हार्मोन ऑक्सीटोसिन कॉजेज कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूटराइन मायोमेट्रियम एंड प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीजेज द पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है. अब हमने क्या देखा था कि यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन को जो स्टार्ट करने वाला हार्मोन है वो कौन सा था, जो कॉज कराता था यानी कि इनको इनिशिएट करने वाला हार्मोन ऑक्सीटोसिन है, और फिर इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है, प्रोस्टाग्लैंडिन, जो इंक्रीज करेगा, ज़्यादा करेगा पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस को, इंक्रीजेस पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है. अच्छा, नाउ दिस पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट मदर्स हाइपोथैलेमस विच सिग्नल्स फॉर ऑक्सीटोसिन रिलीज बाय मदर्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. ये थोड़ा थोड़ा जो ऑक्सीटोसिन आ रहा था फीटस से आ रहा था, अभी मदर के ऑक्सीटोसिन का किस्सा शुरू नहीं हुआ. अब ये जो थोड़ी थोड़ी इस ऑक्सीटोसिन का निकलना और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन के अंडर कॉर्टिकोस्टेरॉइड का निकलना एड्रीनल ग्लैंड से, जिसने जाके एक्ट किया प्लेसेंटा पे और फीटल मेम्ब्रेन से, और फीटल मेम्ब्रेन से प्रोस्टाग्लैंडिन निकलवाया जिसने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाया. अब इस कॉन्ट्रैक्शन के बढ़ने की वजह से क्या होगा, इस कॉन्ट्रैक्शन को जब फील करेगी मदर कि मेरा यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो अब क्या होगा कि ये इसकी वजह से एक फीडबैक मैकेनिज्म होगा और मदर का जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वहाँ से ऑक्सीटोसिन निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है. नाउ दिस पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेट द मदर्स हाइपोथैलेमस, ठीक है. अब इन पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से मदर का अब कहानी शुरू हो गई मदर की, ठीक है. माँ में ये होगा क्योंकि माँ और बच्चा माँ के अंदर ही है, तो सब कुछ वहीं पर हो रहा है. मदर का हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होगा और वहाँ से क्या होगा, वो कहेगा ऑक्सीटोसिन को बनाओ, ठीक है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, औरत के पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, और अब क्या निकलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन का रिलीज होगा और अब जो है ट्रू लेबर पेन्स स्टार्ट होंगी, ट्रू लेबर पेन्स बिगिन, ठीक है. That is positive feedback mechanisms helps the release of more and more oxytocin which causes great contractile force and so on. ठीक है, द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन अकर्स इन वेव्स ड्यूरिंग लेबर. अब क्या होगा कि ये लेबर पेन्स शुरू हो गई, क्या मतलब कि ट्रू कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं. अब हमें क्या
क्या देखा था हमने, जब कॉन्ट्रैक्शंस ज़्यादा होती हैं, कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से ऑक्सीटोसिन ज़्यादा हो रहा है, अब और कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं तो पॉजिटिव फीडबैक, और ऑक्सीटोसिन, और कॉन्ट्रैक्शंस, और ऑक्सीटोसिन, तो एक वेव आएगी कॉन्ट्रैक्शन की, एक लहर आएगी कॉन्ट्रैक्शन की, फिर उसके बाद उस लहर में एक डोज ऑक्सीटोसिन की रिलीज होगी हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, फिर उसके बाद एक और डोज निकलेगी ऑक्सीटोसिन की। पहले क्या होता है कि इनिशियली जो है ये एक एक घंटे के बाद एक एक कॉन्ट्रैक्शन होगी, फिर 30-30 मिनट के बाद होगी, फिर 20-20 मिनट, फिर 5 मिनट्स के इंटरवल पे, इवन एक हर एक मिनट के बाद भी एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्शन की वेव आ रही होगी। जब इतनी करीब हो जाएंगी लेबर पेन्स, इतनी जल्दी जल्दी होंगी, तो बस वो टाइम होगा डिलीवरी का, जब बेबी प्रोड्यूस होने वाला है। अच्छा, द प्रोसेस ऑफ लेबर और बर्थ हैज 3 स्टेप्स, दैट इज सर्विक्स डायलेशन, एक्सपल्जन एंड प्लेसेंटल रिमूवल। अब जो है ये तो कॉन्ट्रैक्शंस वाली स्टेज हो गई, अब इसके बाद बेबी को रिलीज करने के क्या स्टेप्स होते हैं, बेबी जो है जिस स्टेप्स में रिलीज होगा वो 3 होते हैं। सबसे पहले क्या है कि सर्विक्स की डायलेशन होगी, जो कि बर्थ कैनाल है, ठीक है, ये स्टेप्स ऑफ बेबी की प्रोडक्शन या बेबी का बर्थ। इसमें सबसे पहला स्टेप है सर्विक्स की डायलेशन, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप इसमें है एक्सपल्जन ऑफ बेबी, ठीक है, और तीसरा जो है एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा या फिर रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है, जो कि क्या था, कनेक्शन था माँ और बच्चे के दरमियान। तो ये 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले सर्विक्स की डायलेशन होगी, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप। इसमें क्या होगा, सर्विक्स ओपन अप होगा, सर्विक्स की थिनिंग होगी और बाहर को एक्सपेल हो जाएगा। फिर दूसरा, एक्सपल्जन ऑफ द बेबी इज़ द सेकेंड स्टेप, दैट इज स्ट्रॉन्ग कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शंस फोर्स द फीटस डाउन एंड आउट ऑफ द यूट्रस एंड विजाइना, ठीक है, यूट्रस था आगे, बर्थ कैनाल था और विजाइना, इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगी, ये इतना करीब हो जाएगा, यूट्रस इतना स्ट्रॉन्ग करेगा कि वो बच्चे को पुश करेगा बाहर की तरफ, बेबी एक्सपेल आउट हो जाएगा, बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। फिर तीसरे में क्या है, सून आफ्टर बर्थ द एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा टेक्स प्लेस, जैसे बर्थ हो जाती है उसके बाद अब प्लेसेंटा को भी हमने रिमूव कराना है, जो कनेक्शन था मदर और बेबी के बीच में, उस कनेक्शन को, उस प्लेसेंटा को भी हमने बॉडी से निकाल दे रहे। तो ये क्या हो गई, स्टेजेस ऑफ या स्टेप्स ऑफ बर्थ हो गई, ठीक है। अच्छा, अब बेबी पैदा हो गया, उसका प्लेसेंटा निकल गया, स्टेजेस ऑफ बर्थ हमने देख ली, कॉन्ट्रैक्शंस कैसे जनरेट होती हैं वो सारा हमने डिस्कस कर लिया। अभी है क्लैंपिंग एंड कटिंग ऑफ एम्बाइलिकल कॉर्ड। हमने देखा था कि बेबी की एम्बाइलिकस से मदर के साथ प्लेसेंटा को जो एक कनेक्शन था, दैट वाज एम्बाइलिकल कॉर्ड। आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, ठीक है, सेकेंड स्टेज ऑफ द बर्थ, बेबी की डिलीवरी क्या थी, एक्सपल्जन ऑफ बेबी, सेकेंड स्टेज ऑफ बर्थ, तब क्या होता है, एम्बाइलिकल कॉर्ड इज स्टिल अटैच टू द बेबी, द एम्बाइलिकल कॉर्ड इज क्लैम्प्ड आर्टिफिशियली एज अर्ली एज 1-5 मिनट्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। अब जब बच्चा पैदा हो गया, एक्सपेल हो गया, उसकी एम्बाइलिकल कॉर्ड अभी तक माँ से कनेक्टेड है, उसको क्लैम्प या कट किया जाता है 1-5 मिनट के अंदर अंदर बच्चे के पैदा होने के बाद। क्लैम्पिंग इज फॉलोड बाई कटिंग ऑफ द कॉर्ड विच इज़ पेनलेस ड्यू टू द लैक ऑफ एनी नर्व्स। क्लैंप का मतलब है यहाँ पे अपनी क्लिप लगा देते हैं, कॉर्ड के ऊपर क्लिप लगाया और फिर उसके बाद उसको काट देते हैं, तो उस क्लिप लगाने के बाद काट देते हैं, काटने से कोई दर्द नहीं होती क्योंकि अम्बाइलिकल कॉर्ड के अंदर कोई नर्व्स नहीं होती, तो हमारी पेन के सेंसेशंस, पेन के सिग्नल्स क्या ले जाती थी, नर्व्स। जब उसके अंदर नर्व्स ही नहीं होंगी तो क्या होगा, कोई दर्द नहीं होगी। अक्सर बाहर मुल्कों में जो है एम्बाइलिकल कॉर्ड बच्चे की फादर आके कट करता है, लेकिन हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स ही कट कर रहे होते हैं, ये जो नर्सेज होती हैं वो कट करती हैं, फादर को लेबर रूम में अलाउ नहीं करते। आफ्टर बर्थ, फॉलोइंग द बर्थ ऑफ द फीटस, यूजली विद इन 10-15 मिनट्स द प्लेसेंटा सेपरेट्स फ्रॉम द यूट्राइन वॉल, ठीक है। कहते हैं कि जब फीटस की बर्थ हो जाती है तो 10-15 मिनट के अंदर प्लेसेंटा जो है, जो कनेक्शन था माँ का, अम्बाइलिकल कॉर्ड क्या था, अम्बाइलिकल कॉर्ड ये बच्चा और बच्चे को प्लेसेंटा से जो जोड़ रहा है वो अम्बाइलिकल कॉर्ड था, जो कि हमने खुद क्लैंप करके काट दिया, पीछे माँ के यूट्रस के साथ जो चीज़ चिपकी हुई थी वो प्लेसेंटा थी। अब बर्थ के 10-15 मिनट के बाद प्लेसेंटा जो है वो टूटना शुरू हो जाता है यूट्राइन वॉल से, और अभी भी कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं ये जारी हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, क्योंकि ऑक्सीटोसिन अभी तक ब्लड में है, उन कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू वो पूरा प्लेसेंटा बाहर निकल आता है और सारा जो है
जितना भी मटेरियल होता है वो एक्सपेल आउट हो जाता है. दिस एक्सपल्शन इज टर्म द आफ्टर बर्थ. इस रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा जो कि 10-15 से 20 मिनट के बाद होती है, जिसमें सारा प्लेसेंटा बाहर आ रहा होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, इसे हम क्या कह देते हैं, आफ्टर बर्थ. ठीक है, तो ये हमारी बर्थ पूरी हमने डिस्कशन कर ली कि कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होती हैं और सर्विक्स की डायलेशन जो बर्थ की स्टेजेस हैं वो क्या होती हैं. अब एक टर्मिनोलॉजी है हमारे पास, दैट इज़ प्री मेच्योर बर्थ. प्री मेच्योर बच्चे की पैदाइश, ये क्यों और कैसे होती है. तो लेट्स डिस्कस प्री मेच्योर बर्थ. द प्री मेच्योर और प्री टर्म बर्थ ऑफ बेबी मीन्स लेस देन 27 वीक्स. अगर 27 हफ्ते या 6 महीने 27 वीक्स या 26 मंथ से कम इससे पहले बच्चे की पैदाइश हो जाएगी या प्रेगनेंसी एंड हो जाएगी, उसे हम कहेंगे प्री मेच्योर बर्थ. उसमें अगर बेबी की प्रोडक्शन हो जाएगी और ये सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर का टाइम होता है, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर क्या है, चौथा पांचवा छठा महीना. तो छठे महीने के एंड पे और सातवां आठवां नवा महीना थर्ड ट्राइमेस्टर है. इन सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड पे या थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर बेबी पैदा हो, प्रेगनेंसी का 9 महीने पूरे होने से पहले, उसे हम कहेंगे प्री मेच्योर बर्थ या प्री टर्म बर्थ. अब इस किस वजह से होता है ये कि सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में या थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी की प्री मेच्योर बर्थ हो जाए, इसके लिए डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं. स्मोकिंग एंड नॉट गेटिंग गुड प्री नेटल केयर, यानी कि औरत जो है अगर तंबाकू नोशी करती है, सिगरेट पीती है, हुक्का पीती है या कोई जो है वो नारकोटिक्स लेती है, कोई नशावर चीज़ें लेती है, तो उसकी वजह से बेबी के ऊपर इफ़ेक्ट होगा और उसकी प्री मेच्योर बर्थ हो जाएगी. या अपना ख्याल नहीं रखती है, खाना ठीक से नहीं खाती है, स्ट्रेस में है, इन रीजंस की वजह से. बीइंग ओवरवेट और अंडरवेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर औरत बहुत ज़्यादा मोटी है, हद से ज़्यादा वैसे ही वो मोटी है प्रेगनेंसी में, या फिर बहुत कमज़ोर है, तो इसकी वजह से भी प्री मेच्योर बर्थ हो सकती है. हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स और डायबिटीज़ मेलाइटिस की वजह से उसका बीपी जो है, उसकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, या फिर उसको ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स यानी कि खून के जमने के डिसऑर्डर्स, जैसे कि हीमोफीलिया वगैरह या सिकल सेल एनीमिया, कोई इस तरह का डिसऑर्डर है खून से रिलेटेड, इस वजह से, या उसको जो है वो शुगर की मरीज़ा है, डायबिटीज मेलाइटिस है, इस वजह से भी हो सकता है. गेटिंग प्रेगनेंट टू सून आफ्टर हैविंग अ बेबी, मतलब कि उसकी दूसरी प्रेगनेंसी या तीसरी चौथी प्रेगनेंसी है, पहले उसका बेबी एक साल भी नहीं हुआ और ये उसका एक साल के अंदर अंदर दूसरा बच्चा है, तो उसके अंदर इतनी जो है बॉडी में कैपेबिलिटी नहीं होती और प्री मेच्योर बर्थ हो जाती है. इसके अलावा मल्टीपल बर्थ्स एंड अ बेबी दैट हैज सर्टेन डिफेक्ट्स, ठीक है, अगर औरत के बहुत से बच्चे हुए हों, ठीक है, टाइम इतना नहीं, पहले मैंने क्या बताया कि एक ही साल के अंदर या दो साल के अंदर बहुत जल्दी बच्चे हो जाए, दूसरा ये कि बहुत बच्चे अगर हुए भी हों जिस औरत के, तो उसके भी चांसेस होते हैं कि बेबी उसका प्री मेच्योर हो. बहुत बच्चे हों या फिर कोई ऐसा बच्चा उसका हुआ हो जिसको पहले भी कोई बीमारियाँ रह चुकी हों, तो कोई इशूज़ होते हैं इंटरनल जिसकी वजह से प्री मेच्योर बर्थ हो सकती है. ठीक है, द प्री मेच्योर बेबी फेसेस मेनी कॉम्प्लिकेशन सच एज, अब प्री मेच्योर बच्चे की पैदाइश हो गई है, अब उस बच्चे के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं. उसके अंदर क्या मसले हो सकते हैं, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस, क्योंकि अब वो बच्चा वक्त से पहले पैदा हुआ है, उसके ऑर्गन्स की इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई, उसकी इम्यून सिस्टम, उसकी इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं है, तो हो सकता है कि उसको ज़्यादा इन्फेक्शन, ज़्यादा बीमारियों के चांसेस हो लगने के. डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर, फीडिंग प्रॉब्लम मे कॉज जॉइंटस, उसकी थर्मो रेगुलेशन ठीक नहीं होगी उसकी बॉडी के, क्योंकि वो जब सारे ऑर्गन्स ठीक से नहीं बने तो उसका हाइपोथैलेमस जो कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाली जगह है वो भी ठीक से नहीं बना होगा, तो उसका टेम्परेचर ठीक से कंट्रोल नहीं हो रहा होगा. फिर तीसरी चीज़ क्या है कि उसका फीडिंग, वो खाना सही से या खा नहीं पा सकता होगा, मतलब मिल्क जो है या उसको हज़म नहीं कर पा सकता होगा. और इवन प्री मेच्योर बेबी में ये बात बहुत होती है, जो भी आपने अगर कभी घर में भी देखा हो, जो बच्चे छोटे वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं उनको अक्सर जॉइंटस की बीमारी होती है. जॉइंटस में क्या होता है, आपके रेड ब्लड सेल्स का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा हो जाता है और जो हीमोग्लोबिन है वो जमा होना शुरू हो जाता है, पिगमेंट येलो येलो डिपोजिशंस आइज़ में और स्क्लेरा में, इधर स्किन के अंदर जमा होनी शुरू हो जाती है. ब्रीदिंग डिफिकल्टी बिकॉज लंग्स आर नॉट फुली डेवलप्ड, सम हाई टर्म कॉम्प्लिकेशंस लाइक ब्लाइंडनेस, डिस्टर्बेंस इन हेयरिंग कैपेसिटी, उनके अंदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से हीमोफीलिया हो गया,
फिर लंग्स उनके फुली डेवलप नहीं होते, रेस्पिरेटरी सिस्टम जब फुली डेवलप नहीं होता इस वजह से वो ठीक से सांस नहीं ले सकते, उन्हें सांस के मसले हो सकते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स कुछ बीमारियाँ, कुछ कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स जैसे कि ब्लाइंडनेस, आँख से दिखना ना, या कानों की खराबी होना, तो इस तरह के कुछ मसले मसाइल उस बच्चे को हो सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी डिजीज़ेस के लिए प्रोन होता है, काफ़ी इन्फेक्शन उसको हो सकते हैं, उसकी इम्यूनिटी कम होती है। ऐसे बच्चे का अगर कुछ कुछ केसेस में प्री मेच्योर बच्चों का बचना मुमकिन नहीं होता, उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से प्री मेच्योर बच्चों को केयर प्रॉपर दी जाए तो वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ पर इसकी डिस्कशन एंड होती है। हमने क्या पढ़ा, हमने बर्थ से रिलेटेड, बर्थिंग से रिलेटेड पढ़ा कि यूट्रस किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करता है, किस तरह से जो प्रेगनेंसी जब एंड होने लगती है तो एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है, प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है, यूट्रस की वॉल में यूट्राइन रिसेप्टर, यूट्रस की वॉल में ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो वॉल वीक हो जाती है और उसकी इरिटेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जनरेट हो जाती हैं, जिन्हें हम ब्रैक्सटन नेक कॉन्ट्रैक्शन या फॉल्स लेबर पेन्स कहते हैं। मगर ये फॉल्स लेबर पेन्स जो हैं कन्वर्ट हो जाती हैं कुछ अर्से बाद ट्रू लेबर पेन्स में। मगर इन दोनों के दरमियान, मतलब फॉल्स लेबर पेन्स को ट्रू में कन्वर्ट कराने के लिए दो हार्मोन्स, फीटल के पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स और मदर का ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। फिर हमने देखा कि फीटस के पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलता है जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को जनरेट करता है, और उसके एंटीरियर पिट्यूटरी से जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन निकल के एड्रीनल ग्लैंड पर जाके एक्ट करता है और वहाँ से कॉर्टिकोस्टेरॉइड को निकलवाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन दो जगह पर एक्ट करते हैं, प्लेसेंटा पे और फीटल मेम्ब्रेन पे। प्लेसेंटा पे जाके वो प्रोजेस्टेरॉन की सिक्रीशन कम कराता है। क्यों कम कराता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस को मेंटेन करके रखता था, यूट्रस की साइज को, उसकी प्रोलिफरेशन को मेंटेन रखता था, जो कि अभी हमें नहीं करना, हमें अभी यूट्रस को वीक करना है और उसकी कॉन्ट्रैक्शंस करनी है, तो प्रोजेस्टेरॉन अब हमें इतना नहीं चाहिए तो ये इसको कम करा देते हैं। फिर फीटल मेम्ब्रेन पे जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एक्ट करता है तो वहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिंस निकलवाता है। प्रोस्टाग्लैंडिंस क्या करते हैं, पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन ने जनरेट की थी उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अब माँ के हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल्स जाते हैं और माँ क्या रिलीज़ करती है, ऑक्सीटोसिन। जब मदर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो निकलता है और अब औरत में और ऑक्सीटोसिन का काम है कॉन्ट्रैक्शंस कराना, अब औरत में ट्रू लेबर पेन्स जनरेट हो जाती हैं। तो ऑक्सीटोसिन और फीटल पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोस्टाग्लैंडिन की सिक्रीशन की वजह से ट्रू लेबर पेन्स जनरेट होती हैं, और बेबी की जब ट्रू लेबर पेन्स जनरेट हो गई तो अब बर्थ की स्टेज स्टार्ट हो गई। यूट्रस बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेबर पेन्स हो चुकी हैं, सर्विक्स यानी यूट्रस का जो बर्थ किनार है नीचे वाला हिस्सा वो खुला हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, पतला हो जाता है और उसके अंदर बेबी की अब एंट्री हो जाती है। फिर एकदम इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की वेव्स आती हैं कि बेबी एक्सपल हो जाता है, बेबी की एक्सपल्जन हो जाता है, बेबी बाहर चला जाता है। उसके बाद पीछे क्या रह जाता है, प्लेसेंटा। तो 15 से 20 मिनट के अंदर प्लेसेंटा भी यूट्रस से डिटैच हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और बाहर निकल जाता है। यूट्रस से प्लेसेंटा के बाहर निकलने को हम कहते हैं आफ्टर बर्थ, ठीक है। और जब बेबी की एक्सपल्जन हो रही थी तो अम्बाइलिकल कॉर्ड वहीं पे कनेक्टेड थी, तो उसको हम 1 से 5 मिनट के अंदर पहले क्लैंप करते हैं, कोई चीज़ से बांधते हैं और फिर उसके बाद उसे कट कर देते हैं। तो ये सारी डिस्कशन थी, बर्थ किस तरह से होती है, बच्चे की पैदाइश, डिलीवरी जिसे हम पार्चुरेशन या लेबर कहते हैं, फिर लेबर पेन्स, इससे रिलेटेड हमारी सारी डिस्कशन थी। आई होप आपको समझ आया हो। इंशाल्लाह अब इस चैप्टर के सिर्फ 2 लेक्चर्स रह गए हैं, उसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम एक में डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे और उससे अगले लेक्चर में हम, जैसे कि चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट एंड एजिंग, तो हम उससे अगले लेक्चर में एजिंग की डिस्कशन करेंगे और फिर इंशाल्लाह ये चैप्टर एंड हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैप्टर को रिवाइज करें और एक दफ़ा किताब से पढ़ लें तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।